अंशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इन विधानसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश में सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। आपको जानकारी दे दें, फिलहाल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये मांग की जा रही है कि सीएम पद की दावेदारी के लिए बीजेपी खेमे से उन्हें आगे किया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी चुनौती है विपक्ष के लिए। 2020 में कांग्रेस पार्टी से सिंधिया ने इस्तीफा दिया और अपने 22 विधायकों के साथ वह बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन बीजेपी को लेकर अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर यह चुनाव लड़े जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को आगे किया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो कमलनाथ लगातार यहां पर सिंधिया पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले उनका यही कहना रहा कि सिंधिया कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है, अगर तोप होते तो महापौर के चुनाव उन्होंने जीतकर क्यों नहीं दिखाए। मालूम हो कि ग्वालियर चंबल संभाग सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में देखा जाए तो उस गढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले से ही अपने प्रत्याशियों को आगे कर दिया है, क्योंकि सिंधिया के इस्तीफे के बाद से यहां पर पार्टी कमजोर है और यहां पर अब पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कई दांव पेच खेल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने भी कई बड़े ऐलान किए मध्य प्रदेश में। दावा किया कि कांग्रेस ही इस बार सत्ता में आएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर सचिन पायलट भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए मध्य प्रदेश पहुंचे थे। अब यहां पर देखा जाए जल्द ही एक बड़ी बैठक हो सकती है और यहां पर मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आने वाली है एमपी की सरकार के खिलाफ। दरअसल जानकारी दे दें कि अब मध्य प्रदेश में सियासत और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर तैयारियां पार्टियों में अभी से शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अब यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया, उनके नेतृत्व में अब 13 मार्च को कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी और पीसीसी चीफ ने प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को भोपाल पहुंचने के निर्देश दे दिए हैं। इस आंदोलन को लेकर रणनीतियां भी बना ली गई हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश और केंद्र के किए गए वादों पर असफलताओं को गिनाती हुई नजर आएगी, एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है कमलनाथ के नेतृत्व में। कमलनाथ 13 मार्च को दोपहर 12 बजे राजभवन का घेराव करेंगे, जहां पर सभी कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे, तमाम पदाधिकारी भी शामिल होंगे और इस तरीके से वह यहां पर मोर्चा खोलने के लिए तैयार हो चुके हैं। फिलहाल देखा जाए यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने आखिरी बजट को पेश किया और उनके कैबिनेट में भी कई बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी उनकी मुलाकात जारी है, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आरएसएस के ऑफिस पहुंचे थे बीते कुछ दिनों पहले। मोहन भागवत और साथ ही साथ पदाधिकारियों से उन्होंने भी मुलाकात की इन विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते। देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ की इस चुनौती का किस तरीके से सिंधिया यहां पर सामना करेंगे, शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से यहां पर जवाब देते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपके मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए, बीजेपी या फिर कांग्रेस, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।